वेलकम टू SB रसोई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पूड़ी। कि पालक पूड़ी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप सर्दियों के मौसम में ज़रूर पालक पूड़ी बनाएं। तो पालक पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है, जिसे अच्छे से पालक को मैंने धो लिया है। तो बस पालक को हमें मिक्सी के जार में अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए पालक को मैंने पीस लिया है। तो चलिए अब हम आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, मैंने 1/2 चम्मच नमक मिलाया है, और इसमें हमें मिलाना है 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हाथ में रगड़ कर मिलाना है, ताकि अजवाइन का फ्लेवर जो है वो आटे में अच्छे से आए। अब आटे में हम नमक, अजवाइन और तेल को अच्छे से मिला लेंगे। फिर हमें इसमें 1 छोटी कटोरी के करीब पिसा हुआ पालक मिला लेना है। पालक को हमें आटे के साथ अच्छे से मिला लेना है। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के हमें आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। हमें आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, यहाँ पर मैंने टाइट ही आटा गूंदा हुआ है। तो बस अब हम आटे को 15 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गया था आटे को फिले हुए। तो मैंने इसकी एक छोटी सी लोई काट ली और इसका पूड़ी बेल कर तैयार कर लिया है। गैस पर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो बस ये पूड़ी बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम पूड़ी को तल लेते हैं। पूड़ी को हमें हाई फ्लेम पर ही तलना है, क्योंकि तेल जितना अच्छा से गर्म रहेगा पूड़ी उतने अच्छे से फूलेगी। अगर तेल आपका गर्म नहीं रहेगा तो पूड़ी जो है वो नहीं फूलेगी। तो इसलिए हमें पूड़ी जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही तलना है। तो ये देखिए पूड़ी अच्छे से फूल गई है। तो हम इसे पलट लेते हैं, दोनों साइड से हम पूड़ी को अच्छे से तल लेंगे। इस तरह से पालक पूड़ी बनाने में कोई झंझट भी नहीं है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए पालक पूड़ी खाने के लिए तैयार है। आप इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं।